कर्म में अब तक आपने देखा। मतलब मुझे उस आदमी से शादी करनी पड़ेगी जिसने जिसने मेरा बलात्कार किया। मानसी प्रेग्नेंट है, मानसी प्रेग्नेंट है। वहीं जाकर आपको हमारी इज्जत की भीख मांगनी पड़ेगी। माँ जी कह रही थी कि अब इस घर में छोटे से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देगी। मैं उस घर में रहूंगी। तुम्हारा न्याय मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब तो मैं ये भी नहीं जानती कि तुमसे क्या मांगू। जिस खानदान ने, जिस लड़के ने हमारी मानसी को इतना दुख दिया, आज उन्हीं के सामने जाकर हमें गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। अब तो बस इतना ही मांगती हूँ कि उन्हें हम पर रहम आए और वो शादी के लिए हाँ कर दे। भगवान, मैंने आज तक कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। अगर तुम्हारे प्रति मेरी भक्ति सच्ची है तो सिर्फ इतना मांगती हूँ, उस बेगुनाह पर अन्याय मत होने देना, सच पर झूठ को हावी मत होने देना। अरे राजेश बेटे, सब तैयार हुए या नहीं हुए? भैया ऐसे काम में देरी नहीं होनी चाहिए। पापा हम सब तो तैयार हैं, मम्मी अभी तक तैयार नहीं हुई। बुआ जी कम से कम एक घंटे से उन्हें तैयार कर रही हैं। जानता हूँ भाई, एक मिनट मुझे दो। 30 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। और हमारे दूल्हे राजा रेडी हुए? ही इज ऑलमोस्ट रेडी पापा, विपुल है उसके साथ। ओके। इस वक्त कौन होगा? मैं देखता हूँ पापा। हाँ हेलो। हाँ जी हाँ, बस 10 मिनट में सब निकल रहे। हाँ जी हाँ हाँ, मैं बाद में फोन करता हूँ। यहाँ क्यों आए हो? गुडवन भाई, जो कहना है तुम्हें जल्दी कहो। गुडवन भाई आप हम लोगों को माफ कर दीजिए, मेरी बेटी नादान है, उसे भूल हो गई है। ये क्या नाटक है? अब और कोई नया खेल खेल रहे हैं आप? बिरादरी में इतनी बदनामी की हमारी, इससे अब तक आपका पेट नहीं भरा? जिनके मन में पछतावे की आग जल रही हो उस पर ऐसा आरोप नहीं लगाते राजेश भाई। पछतावे का ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। चारों ओर जो हमारी बदनामी हुई है वो इससे धुलकर साफ नहीं हो जाएगी। साफ साफ कहो, तुम चाहते क्या हो? क्यों आए हैं आप यहाँ? साफ साफ ही कहना चाहता हूँ, जो कुछ भी हुआ है उसे भूलकर आप जय और मानसी का विवाह कर दीजिए। ये कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जय के साथ मानसी का विवाह कभी नहीं हो सकता। उस मगरूर लड़की को हम अपने घर की बहू कभी नहीं बनाएंगे। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, गलती इंसान से ही होती है। अगर इंसान अपनी भूल कबूल करता है तो उसे संभलने का एक मौका देना चाहिए। वाह श्रीकांत जी, आपकी बेशर्मी का भी जवाब नहीं। यहाँ हम जय की सगाई तय कर रहे हैं और आप सगाई तोड़ने आए हैं? चले जाइए यहाँ से। अब ये संबंध नहीं हो सकता श्रीकांत भाई, इज्जत के साथ आप यहाँ से चले जाइए, इसी में आपकी भलाई है। एक मिनट रुकिए पापा। श्रीकांत जी, मैंने ये फैसला किया है कि मैं मानसी के साथ शादी करूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी शादी जूही से तय हो चुकी है। मैं जिंदगी में पहली बार आप लोगों की मर्जी के खिलाफ कोई कदम उठा रहा हूं। मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि गलतियां इंसानों से ही होती हैं। मैं मानसी के साथ शादी करूंगा, ये मेरा फैसला है। क्या सोच रही हो लक्ष्मी? यही कि इतना सब कुछ होने के बाद भी
जय ने उस लड़की के साथ शादी के लिए हाँ क्यों की? कहीं उस लड़की ने जय पे कोई जादू तो नहीं किया? नहीं। तो फिर क्या हो सकता है? हमें जय को उस शादी से रोकना होगा। मैंने जय से बात की है लक्ष्मी, वो अपना फैसला नहीं बदलेगा। ये पहली बार जय ने हमारी कोई बात नहीं मानी है। मुझे तो इसमें कुछ और बात लगती है। क्या बात हो सकती है? उन लोगों ने रिश्ता तोड़ा और वही लोग रिश्ता जोड़ने आए, मतलब कि वही लोग गलत हैं, और सारे समाज के लोग भी ये बात समझेंगे। जय ने इस रिश्ते के लिए हाँ करकर हमारी जो बदनामी हुई थी उसमें से हमारे परिवार को उबारने की कोशिश की है लक्ष्मी। मतलब जय ने हमारी परिवार की इज्जत के लिए अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला किया? हाँ लक्ष्मी, हम आज तक अपने बेटे को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। अपने परिवार की इज्जत के लिए वो कुछ भी कर सकता है, और अब हमें उसके फैसले में उसका साथ देना है। ये तो अच्छा हुआ जय ने शादी के लिए हाँ करके हमारे घर की लाज बचा ली। लाज रख ली? माँ, उसके सिर्फ एक खाने आपको ये बुला दिया कि उसी ने इस घर के लाज का। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था बेटा। रसम के अनुसार शादी के पहले जो चीजें लड़के वालों को देनी है वो लेकर मानसी के साथ उनके घर जाना होगा। मानसी को उनके पैर छूने होंगे उनके आशीर्वाद के लिए। मैं उस घर पे कदम नहीं रखूंगी। बेटा, जाना तो तुझे पड़ेगा ही, क्योंकि इसके बाद तुझे वही रहना है ना। बेटा, मेरी बात सुन। देख, बुजुर्गों के पैर छूने से तू छोटी नहीं हो जाएगी। मैं जानती हूँ वो गलत है। इन लोगों ने तुझे बहुत भला बुरा कहा, लेकिन बेटा, जय उनका बेटा है, और जैसे हम तुझे प्यार करते हैं ना, वो लोग भी उसे बहुत प्यार करते हैं। और प्यार अंधा होता है बेटा, मैं उनके ताने क्यों सहूं? बेटा, वो लोग अन्याय कर रहे हैं क्योंकि अज्ञानी है। तेरे पास ज्ञान है, और सुन, मैं चलूंगी ना तेरे साथ। मैं चलूंगी तेरे साथ। मां, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। मां, मानसी, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी।
मानसी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना है। घर के सभी लोग तुमसे नाराज हैं। बेटा हूं ना मैं उनका। अब जो कुछ भी हुआ, मेरा मतलब है तुमने जो कुछ भी कहा उस पर उनका विश्वास नहीं और शायद होगा भी नहीं, इसीलिए नाराज है वो तुमसे। अभी हो सकता है शादी के बाद भी तुम्हें इस तरह की बेरुखियों का सामना करना पड़े। मैं यही कहने आया हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं मानसी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बहुत दिनों बाद इतनी हंसी आई। घर लूटने वाला खुद ही कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत पड़ेगी? मुझे बेसहारा तो तुमने किया है और अब सहारा देने की बात कर रहे हो? हाँ, अब से मेरी हर हंसी पर तुम्हारे। देखो, तुम्हारा नाराज होना जायज है मानसी। मैंने कई बार सोचा कि मैं तुमसे माफी मांगने आऊं। अच्छा क्या, जो तुम माफी मांगने नहीं आए, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ कर देती? तुम्हें माफ कर देने का सिर्फ एक ही मतलब होता है, उस हादसे को भूल जाना। और मैं उस हादसे को कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं। कितने विश्वास के साथ मैं आई थी तुम्हारे पास और तुम। रो मत मानसी। पास मत आ मेरे, पास मत आ, वरना बहुत बुरा होगा। तुम क्या समझती हो मैं तुमसे सिर्फ इसलिए शादी करी होगी? क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी मानसी? गलती के लिए माफ किया जा सकता है, गुनाह के लिए नहीं। अरे तुम दोनों की बातें खत्म हुए कि नहीं अब तक? अब बस भाभी आए रहे थे हम। सच बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम दोनों के बीच जो गलत फहमियां थी वो दूर हो गई। जब मैं यहाँ पहली बार आई तो मैंने देखा कि जय इतना खुश नहीं है, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक सुकून सा लग रहा है। मानसी, तुम्हें कैसे लग रहा है? मेरे लिए तो बहुत बड़ा सौभाग्य है जो मुझे इतना सुशील और संस्कारी पति मिला। रत्ना, मैंने हॉल की बुकिंग कर दी है और बाकी जो तैयारियां बची है वो भी पूरी हो जाएगी। कैटरर का मेनू भी मैंने। आपने जो कुछ भी किया होगा सही किया होगा। तो मैं देख रहा हूँ जब से तुम वहां से आई हो कुछ ज्यादा ही परेशान और उदास लग रही हो। मुझे डर लग रहा है। क्यों, वहां किसी ने कुछ कहा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि जब मेरी बेटी ने झुक झुक के सबको प्रणाम किया, किसी ने आशीर्वाद तक नहीं दिया। मेरी बेटी को उन जैसे लोगों के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। लेकिन वो अपमान के पल मैं नहीं भूल सकती। सबकी आंखों में मानसी के लिए कैसे रहेगी मानसी वहाँ? मैं वहाँ होता तो शायद। क्या कर लेते, क्या कर लेते? अब तो ये मानसी को ही झेलना पड़ेगा और उसके दुख के साथ साथ हमें भी। संभालो अपने आप को, हमें कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। क्या करूं मैं? देखो, हमें मानसी का सहारा बनना है। अगर हम ही कमजोर पड़ जाएंगे तो मानसी को कौन संभालेगा? महेश जी ने कुछ साड़ियां भेजी है, देख लेना। ये लीजिए दादी माँ, आपके लिए साड़ियां लेकर आया हूँ, जल्दी से अपनी साड़ी पसंद कर लीजिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुझे जो करना है वो कर। अरे दादी माँ, देखिए तो सही, बहुत अच्छी साड़ी है। हाँ हाँ, अच्छी साड़ी है, लेकिन साड़ी को मुझे क्या करना है? दादी माँ, आप ही ने तो कहा था कि मेरी शादी में बहुत मौज मस्ती करेंगे। जल्दी से एक साड़ी पसंद कर लीजिए, मुझे बहुत सारा काम है, बहुत सारे कार्ड बांटने जाना है। देखिए बेटा, मेरी पसंद और नापसंद की का बहुत ख्याल रखता है। क्यों नहीं रखूंगा दादी माँ, आप भी तो मेरा कितना ख्याल रखती है। अब देखिए, मैं इन साड़ियों को देखकर बता सकता हूँ कि आपको कौन सी साड़ी पसंद है। ये वाली है ना? जय बेटा, वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी भी वक्त है,
तू ना कर दे बेटा। शादी की सब तैयारियां हो चुकी हैं दादी माँ। तो क्या फर्क पड़ता है बेटे? दादी माँ आप ही ने तो कहा था कि मैं कभी किसी लड़की का अपमान नहीं कर सकता, इसीलिए आपने दुर्गा माँ का ये लॉकेट मुझे दिया। लेकिन उस लड़की ने तुझे इतना भला बुरा कहा और तू? दादी माँ वो लड़की आपके घर की बहू बनने वाली है और मैं चाहता हूँ कि जो भी सपने आपने मेरी शादी के लिए देखे हैं वो पूरा करें। रंगोली कितनी अच्छी बनी है। हाँ बहुत सुंदर लग रही है। अब इन रंगों को ना सफेद रंग की बॉर्डर लगा दे। आंटी जी रंगोली के रंगों को हमेशा सफेद रंग के किनारे से क्यों बांधा जाता है? बेटा ये सफेद रंग के किनारे ही तो है जो खुशी के रंग को बांध के रखते हैं। माँ तुम्हें याद है जब मानसी छोटी थी और मैं रंगोली बनाती थी वो बस मेरे पास ही बैठी रहती थी ताकि कोई आकर मेरी रंगोली ना खराब कर दे। हाँ मानसी देख रंगोली कितनी सुंदर बनी है और सफेद किनारी के बाद तो बहुत ही सुंदर लग रही है ना। इन रंगों को सफेद दीवार के अंदर मत बांधो, इसे आजाद रहने दो। कुछ भी